वर्ब एंड टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ करते हैं? नंबर ए फुल प्रेजेंट हैबिट, जो वर्तमान की हमारी आदतें हैं प्रेजेंट हैबिट में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम में कहाँ जाता हूँ, वॉक पर जाता हूँ, तो ये उसकी क्या है, हैबिट है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, जैसे सार्वभौमिक सत्य जिसे सब माने, आइस मेल और 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ जो है ना भाई वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू कर देती है, या फिर जैसे द वाटर बॉइल वर्ब है एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री के तापमान पर उबलना शुरू कर देता है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे कहीं भी हो, ठीक है, तो जो जिसे सब माने वो होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। फ्यूचर प्लांट एक्शन के लिए, एक ऐसा पहले ही नियोजित कर दिया गया कार्य जो भविष्य में आगे लगातार चलता रहे, जैसे हमारे स्कूल है, स्कूल कब ओपन होते हैं, जुलाई में, तो स्कूल ओपन इन जुलाई, ठीक है, जून में छुट्टी पड़ेगी, एक महीने के लिए पढ़ते हैं समर के सर, और ओपन कब होते हैं, एक जुलाई में। न्यूज पेपर की हेडलाइन और कमेंट्री में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं हमेशा, विद दीज वर्ड्स, often, daily, occasionally, every day, always, once a day, thrice a day, twice a day, अगर day की जगह अगर month आ जाए, year आ जाए, तो भी कोई problem नहीं आती, ठीक है, तो इसमें आप verb की first form का use करना है। here and there वाले sentence जिनके last में exclamation sign हो, here and there वाले sentence जिनके last में exclamation sign हो, verb की first form का use करते हैं। here, be, blank, live वर्ब है और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन है, तो हमने कुछ नहीं देखा, केवल हेयर देखा और एक्सक्लेमेशन साइन देखा, तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें पुट कर, ठीक है। इट वाले सेंटेंस जिनमें एक तरफ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरी तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे इफ यू ब्लैंक प्लेस की वर्ब है, द फ्लूट आई विल सिंग अ सॉन्ग, तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी और इधर तुरंत आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और डेली रूटीन वर्क में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे आई गो टू ऑफिस एट 10 o'clock, ठीक है, आई डोंट